दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। फार्मास्यूटिकल एड्स के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे स्टार्च और काओलिन का। तो सबसे पहले स्टार्च के बारे में जानते हैं। स्टार्च द सिनोनिम इज कॉल्ड एज एमाइलम बायोलॉजिकल सोर्स। ये अलग अलग प्लांट से प्राप्त होते हैं। स्टार्च पाउडर जो है जनरली वाइटिश कलर या अलग अलग का अलग अलग कलर हो सकता है। तो इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स ऑब्टेंडेड फ्रॉम द वेरियस ग्रेन्स। ये अलग अलग फसलों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मैज, जिया मेज जिसको हम बोल सकते हैं, मक्का, राइस, ओराइजा सटाइवा, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम जैसे चावल गेहूं से भी ये स्टार्च निकाला जाता है। साथ ही साथ ये ग्रेन्स हैं, बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रैमिनी। साथ ही साथ पोटैटो के से भी हम स्टार्च निकाल सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल सोर्स, ऑल्सो अ सोलेनम ट्यूबरसम, बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी। स्टार्च जियोग्राफिकल रीजन देखा जाए तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, कंट्रीज में पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखें तो कलर अलग अलग ग्रेन्स के अलग अलग कलर्स होंगे, जैसे राइस एंड मेज ऑल्सो वाइट कलर, वीट जो है क्रीमिश कलर है, पोटैटो स्लाइटली येलोइश कलर का हो सकता है, ऑर्डर ऑर्डरलेस है, म्यूसिलिजिनस टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो कोल्ड एंड एल्कोहल। स्टार्च पाउडर जो है जनरली अलग अलग कलर के अलग अलग फसल्स के कारण, अलग अलग ग्रेन के कारण उनके कलर अलग अलग होते हैं। स्टैंडर्ड देखें तो लॉस ऑन ड्राइंग जो है नॉट मोर देन 15% ऑफ राइस, वीट एंड मेज नॉट मोर देन 20% एंड ऑल्सो पोटैटो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैनी मैनी टू पॉलीसेक्राइड्स आर फाइंड, एमाइलोज दैट इज कॉल्ड एज बीटा एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, अल्फा एमाइलोज। एमाइलोज गिव द ब्लू कलर विथ आयोडीन। तो बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में अमाइलोज पाया जाता है या अमाइलोपेक्टिन बोल सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन ब्लूइश ब्लैक कलर देता है और ये जो है अमाइलोज जो है ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, 1 ग्राम ऑफ स्टार्च प्लस 15 ml ऑफ वाटर बॉइल करें तो ट्रांसलूसेंट विस्कस जेली, बहुत विस्कस जेली बन जाएगा। जेली प्लस आयोडीन सॉल्यूशन डीप ब्लीकर ब्लू कलर एंड ऑल्सो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये कलर उड़ जाएगा और फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से ये डीप ब्लू कलर प्रेजेंट हो जाए। यूजेस न्यूट्रिटिव डिमल्जेंट, न्यूट्रिटिव एंड ऑल्सो डिमल्जेंट, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट and preparation for dusting powder as an antidote of iodine poisoning. And disintegrating agent in a pills and tablets and also a diluent in solid extracts of drug, diagnostic aids, glycerin of starch in a and as a emollient for manufacturing of liquid glucose, dextrose and dextrin, and industrial for the sizing of paper and cloth. इसके बाद आता है काओलिन, इट इज कॉल्ड सिनोनिम इज चाइना क्ले, काओलिनम प्रोड्रेसरम, पोर्सलिन क्ले बोलते हैं। काओलिन इज प्योरीफाइड एंड नेटिव हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम ऑफ ग्रिटी पार्टिकल्स। एंड जियोग्राफिकल सोर्स इट इज साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया। टाइप्स ऑफ काओलिन, इट इज फर्स्ट वन इज अ हैवी काओलिन दैट इज प्योरीफाइड फ्रॉम द फ्री फ्रॉम ऑफ द ग्रिटी पार्टिकल्स। And light caolin is limited to the certain particle size. And natural caolin, light caolin, free from of gritty particle in dose, does not contain dispersing agents. Description: color normally white color, often get tinged to gray,
एंड येलो एंड ब्राउन ड्यू टू द इम्प्यूरिटीज, ऑर्डरलेस 10 माइक्रोन टू 690 माइक्रोन्स इन अ साइज, काओलिन सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मिनरल एसिड, एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज हाइग्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, काओलिन ऑन चारकोल ब्लॉक विथ कोबाल्ट नाइट्रेट गिव ब्लू मास ड्यू टू द एल्यूमिना, यूजेस एब्जॉर्बेंट इन अ ट्रीटमेंट ऑफ इमेटिक कोलाइटिस, डिसेंट्री एंड एल्कलाइडल फूड पॉइजनिंग, एक्सटर्नली एज अ डस्टिंग पाउडर एंड क्लियरिफाइंग एजेंट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशंस एंड एंटी केकिंग प्रिपरेशंस, कॉस्मेटिक इंसेक्टिसाइड पेंट्स, सोर्स ऑफ एल्यूमिना, इंग्रेडियंट ऑफ टॉयलेट पाउडर्स, बेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट पाउडर्स। तो बेसिकली ये समरी है। तो स्टार्च एंड काओलिन के बारे में आज हमने पढ़ा, जैसे जैसे इस आपको स्टार्च जो है मेज, राइस, वीट, ट्यूबर्स जैसे पोटैटो से मिल सकता है। काओलिन जो है एक प्रकार का नेटिव हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स को काओलिन कहा जाता है। थैंक यू सो मच।